तो क्या बोल रही है अपुन की पब्लिक? थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही चुका होगा कि किस पर बकचोदी होने वाली है। ये जो है वो ट्रिप का सेकंड पार्ट है। अगर आपने गलती से या फिर जानबूझकर अगर वो पार्ट नहीं देखा तो जाके देखिए और उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। त्याच्या नंतर हा वीडियो बघा रे, नाही तर त्या शूट मजा नाही येणार। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो टाइम पास क्या कर रहा है बे, इंट्रो लगा। अब बात करते हैं ट्रिप को लगने वाले पैसे के बारे में। पैसे तो ट्रिप को चाहिए ही, और आप अपनी जेब में से दे नहीं सकते क्योंकि आप नल्ले हो, और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो देने की उम्मीद भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने बाप के पास जाके पैसे मांगना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। एक तो साला खतरों के खिलाड़ी का फाइनल एपिसोड है बहनचोद। इस संकट भरे समय में हमारे पास बस एक ही ब्रह्मास्त्र होता है जिसे मॉम, माँ और मराठी में आई कहते हैं। एक ही हमारा उद्देश्य बन जाता है, माँ को पटाओ और ट्रिप को परमिशन लाओ। आई जू का खेला ले? नहीं मान लेना। आई 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 जू का ले मिस। अब सब कुछ हो गया, बाप ने परमिशन भी दे दी, लेकिन अब एक बात जरूरी हम भूल रहे हैं, जो है शॉपिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो यार, हम जैसे लोंडो को ना शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं होती। हम एक जोड़ी कपड़े एक हफ्ते तक आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो जरूरी होता है ना वो होता है कैमरा मैन, जो हमारी चूतिया सी शक्ल को नेचर की ब्यूटी में मिक्स करके एक बेहतरीन फोटो बना सके, जो हमारा इंस्टा है वो सूखा पड़ा है उसको हरियाली से भर सके और कोई लड़की आके हमें प्रपोज कर सके। लेकिन ये सपना हमेशा सपना ही रह जाता है। लेकिन लड़कियों का कुछ अलग होता है। आपने सुना होगा कि लड़कियों को ट्रिप के लिए जल्दी परमिशन नहीं मिलती। आपने सुना तो होगा ना, मिलती भी नहीं है। उसका एक रीजन है, आप जो सोच रहे हो वो रीजन नहीं है, कुछ अलग ही रीजन है। सच्चाई तो ये है कि घर वाले उनसे शॉपिंग से डरते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बच्चों जितना कॉलेज की ट्रिप की फीस नहीं होती ना, उससे चार गुना तो ये शॉपिंग कर लेती है। मतलब हर दिन के लिए हर एक जोड़ा नया, उस पे शूज आए मैचिंग के, उस पे गॉगल आए मैचिंग का। और इंस्टा पे ना एक ड्रेस पे दो फोटो नहीं डालेंगी, हर वक्त नई फोटो उनको चाहिए नए ड्रेस में भेजो। हम साला एक ही जींस 7 दिन तक पहन सकते हैं, एक टी शर्ट उल्टा सुलटा और दूसरों का मांग के भी हम पहन सकते बेटा। बहुत बड़ी। लेकिन इनका कुछ अलग ही है। अगर गलती से भी ट्रिप हिल स्टेशन जा रही है तो उन्हें स्पोर्ट्स शूज भी तो चाहिए, वो भी ड्रेस के मैचिंग के पहनचे। ये सब खर्चा उनसे होगा या नहीं, बस वो उतना ही देखते फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। और बस यही रीजन है और कुछ नहीं। और कॉलेज वालों का कुछ अलग ही चल रहा होता है। जो बच्चे ट्रिप के लिए आ रहे हैं उनसे बेहतरीन बच्चा कोई नहीं है। वो बच्चा मतलब माइंड ब्लोइंग, दुनिया का सबसे अच्छा काम वही बच्चा कर रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे सीक्रेट रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे, आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। क्या बताओ, उनसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। सबसे बुरा काम यही कर रहे हैं, वो तो सारे इविल वाला काम कर रहे हैं सारा। और उसके बाद आते हैं टीचर्स। टीचर्स आके स्टूडेंट को कहते हैं, बेटा तू क्यों नहीं आ रहा, तू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। अरे क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे, घर में छुट्टी खा के क्या करेगा, बैठ के लाएगा ना भंचू। वो विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ये कहना चाहते हैं, बस तरीका अलग है। अब बात करते हैं ट्रिप को जाने वाली एग्जैक्ट दिन के बारे में। ट्रिप जा रही है 5 बजे, आप उठते हो 10 बजे, शाम के नहीं सुबह के 5 बजे जा रहे तो रहने दो फिर। उस दिन हम सोते ही नहीं बहन।
अब हम इतनी बकचोदी करके टाइम पे ट्रिप के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि 3-4 स्टूडेंट, एक टीचर और बस ड्राइवर बस के साथ अभी तक आया ही नहीं। ओह नो, मतलब चल क्या रहा है मेरे साथ, तो ये हमेशा होता है। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। आखिर में जाके सब लोग बस में बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है। बस एक घंटा ही हो गया होता है कि बस आगे बढ़ चुकी होती है और कुछ चार लोंडों को मूतने जाना होता है और उनको इतनी जोर से लगी होती है कि पंचुक 6 महीने से लगता है रोक के रखी है और उसी दिन के लिए रोक के रखी है। देखो यार, ट्रिप डेस्टिनेशन से सिर्फ आधा घंटा ही दूर है। कुछ लोंडे कुत्तों की तरह नाच रहे हैं, कुछ लोंडे लाइन मार रहे हैं और कुछ बकासूर की तरह खाना खा रहे हैं। खुद का तो कब का खत्म हो गया, दूसरों की बारी चल रही है। इसी बीच एक मधुर सी आवाज आती है, जानी पहचानी आवाज आती है कि हट जाओ, मेरे को उल्टी आ रही है, सारा मजा बर्बाद। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब उल्टी करके सारा मजा किरकिरा हो ही गया है। उसी बीच एक टीचर को चुलमच जाएगी, वो आगे आएगा और उसको बताने की बहुत जरूरत होगी कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं। ड्राइवर की सीट के पास आएगा और बताना शुरू कर देगा कि आप बीच पे नहीं जा सकते, बीच के ज्यादा अंदर जा नहीं सकते, पानी में ज्यादा कूद नहीं सकते, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते और लड़कियों के साथ बात नहीं कर सकते। You serious? पंचुत क्या हो रहा है, ट्रिप के लोंडे आते क्यों हैं, जिसके लिए आए हैं वही नहीं करे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। लोंडे ट्रिप को जाते तो है लेकिन वहां की एक्टिविटी करने में उनके फटती है, जैसे कि पैरा ग्लाइडिंग हो, ऊपर से जंप मारना हो, पैराशूट से हो, या बोट से सफारी करनी हो, या समंदर के अंदर जाके मछलियों को देखना हो। बस वो करते भी है, भाग भी लेते हैं उसमें, लेकिन उनकी फटके हाथ में आ जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है बेटा जितना मूवी में दिखाया जाता है। तब उनके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, मैं मादा चोदूं जो इसमें आया हूं। अरे पाम करो पर क्या बोला मैं। पूरे ट्रिप में एक लड़का ऐसा होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता ट्रिप कहां जा रही है, कहां रुक के, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोस्त क्या कर रहे, लड़का क्या पहन के आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भला, उसका हेडफोन भला, उसके गाने भले और वो नाच रहा होता, बस उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे नाचने के लिए थोड़ा सा मैदान चाहिए जो बस में होता है। वो पोल डांस करेगा, कुछ भी करेगा, दुनिया से उसका कोई मतलब। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही। आप बताओ यार, आपके ट्रिप में क्या होता था, मतलब कौन सी बातें मैंने मिस कर दी वो आप मेरे को कमेंट में बताओ। आपकी ट्रिप में क्या क्या हुआ था वो मेरे को बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भेजो और बताओ भेंचो तूने क्या बकचोदी की है। और जो ट्रिप को ले आपके साथ आए नहीं है उनको बताओ ट्रिप कितनी जरूरी होती है, एंजॉयमेंट होती है दोस्तों के साथ।